जादू नगरी की हड़बड़िया सर पे चढ़ गई जादूगरिया, ये है इसकी जादूगरिया। कौन से रिश्तेदार से मिलने जा रही है? तुम नहीं जानते। मैं क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो। वो भी तो इसी दुनिया में रहते होंगे ना। लेकिन पैदा मेरे कोहिकाफ में हुए थे। इसका मतलब? कोहिकाफ में लोग उल्टे पैदा होते हैं और दुनिया में सीधे। जब भी आपकी खोपड़ी उल्टी लगती है। उल्टी का सीधी तो है। अंदर से दिमाग उल्टा है। अभी देखो मैंने कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई है? पर्पल। देख लिया? मेरी बाती अभी दिन हो रहा है रात रात, लेकिन सितारे तो नजर नहीं आ रहे मेरी बाती। कभी रात में सितारे नजर आते? वो रात में क्या नजर आते हैं? रात के टाइम गंदे गंदे इंसान नजर आते हैं जो हम जैसे जिनों को बोतलों में बंद करना चाहते हैं। मेरे बाजी आप तो कहीं जा रही थी ना? हाँ हाँ आप चली जाएं। लेकिन प्लीज जाने से पहले मेरी पावर्स वापस कर दी जाएं। अच्छा, ताकि तुम दुनिया में कहीं पे भी जाके छुप जाओ। नहीं छुपूंगा, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मेरे बाजी क्या आप मुझे पावर्स दे सकती हैं? मुझे भी। हाँ दे तो सकती हूँ, पर थोड़ी बहुत। प्लीज दे दीजिए ना, मैं भी मैजिक करूंगा। देखो मैजिक की वजह से किसी को तंग नहीं करना, वरना तुम दोनों की पावर्स चली जाएंगी और मेरे जाते ही तुम लोगों को मैजिक पावर्स मिल जाएंगी। नहीं करेंगे, जीने की कसम। मेरी कसम क्यों खा रहे हो? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए। आप इन दोनों को पावर्स दे रही है, मुझे नहीं दे रही। ये ज्यादती है। मैं कोक आपके बादशाह से शिकायत करूंगा आपकी। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे मुंह पे ताला लगा के जाऊं? लगा दे ताला लगा दे, बहुत बोलता है ये। लगता है जीनी नाराज होके चला गया, उसको चल कर मनाते हैं। उसको छोड़ो, हम अपनी पावर चेक करते हैं। चलो मैं भी अपनी पावर चेक करती हूँ। यस इट्स वर्किंग। चलो जीनी को चलते हैं। चलो चलो, मैं तो ये काम का बड़े मजे से आई आई आई। अकड़ बकड़ भूम बिटक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर। सलमान ये क्या कर रहे हो? मैंने दुनिया का सबसे कीमती काम कर रहा हूँ जो आज तक नहीं हो सका। टाइम वेस्ट करने का काम है ना? नहीं सुनो, मैं सोना बनाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ। ये फूड कलर्स है? केमिकल्स है, केमिकल्स। अभी तो कीमियाई एक्शन देख रहा हूँ और ये इब्तदाई तजुर्बात है। सलमान तुमने कभी कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ी है? नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद तो कॉमर्स में आ गया था ना। सलमान क्लास नाइन्थ की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि किसी धातु से कभी सोना नहीं बनाया जा सकता। ताकि हर कोई सोना ना बना सके, वरना तो इस दुनिया में सोना ही सोना होता और हर कोई अपना सोना ही बनाता। तुम्हें कैसे पता? अरे पर ये सारा सोना आता कहाँ से बता? सोने की कान से सलमान, और कहाँ से? सोने की कानों से। अरे सोने के भी कान होते हैं क्या? सलमान तुम घर में धमाका करा दोगे पता है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या? अरे जब मैं सोना बनाने में कामयाब हो जाऊंगा ना तो वो एक धमाका ही होगा। तुमने पोलो कोलो की अल्केमिस्ट पढ़ी है? हाँ पढ़ी है, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला बताया गया ना वो ठीक नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कोई ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो जो तुम्हारे दिमाग के कीड़ों को मार सके? अरे तुमने वो आईडी देखा है इत्तेशाम वाला, जहाँ दिमाग की कीड़ी के अलावा हर कीड़ा मार सकता है? क्या मतलब? दिमाग, इसका मतलब ये होता है कि दिमाग का कीड़ा इमोर्टल होता है, कभी नहीं मरता। अब ये कौन आ गया? पागल खाने वालों को किसने इत्तला कर दी होगी सलमान? हाँ सब छुप के रहना, कहीं तुम्हें लेना जाए। छुप के रहना, शाबाश। सलमान इसको तो संभालू मैं। ओह गॉड। जीनी मैं तुम्हें गायब होकर दिखाऊं? ये देखो, गायब ही रहना, वापस नहीं आना, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे क्यों जल रहे हो? जब तुम्हारे पास पावर थी हम जलते थे क्या? यार मैं जीनू, ये पावर मेरा आगे, मेरी बाजी ने तुम्हें दे दिए। वो तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए दिए, हमेशा के लिए थोड़ी ना दिए। मुझे क्यों नहीं दे रही? तुम अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हो इसलिए। बेटा जितने बर्गर मैंने तुम्हें खिलाया ना, इतने किसी आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में बनाए भी नहीं होंगे। अच्छा चलो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई मैजिक कर देती हूँ। बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह मियां मुझे ऊपर बुला ले। ओके। ये क्या किया तुमने? जीनी को ऊपर भेजा है? वो अल्लाह मियां के पास जाने की बात कर रहा था। तो क्या वो सच में अल्लाह मियां के पास चला गया? और नहीं तो क्या? नहीं मैं उसे वापस आने की कोशिश करती हूँ। ये तुमने मुझे ऊपर छत पे क्यों फेंका था? इतनी तेज लगी है। तुमने ही तो कहा था कि ऊपर जाना चाहते हो। तुम्हें बढ़िया सी आ रही है। बर्गर खाओगे? अगर तुम्हारे गोश्त का बनाओगा तो खाऊंगा। भाई बहुत गुस्से में हूँ गीती, अल्लाह किसी जिन के साथ ऐसा ना करे जैसा जीनी के साथ कर रहे हैं। बस कर दो रोहान, जीनी ने हमारा कितना साथ दिया है और आज हमारे पास पावर थे तो हम उसे कितना तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं करो करो, जितना मर्जी दिल चाहे ना करो। मेहरू बाजू को कोकाफ नहीं भेज दिया ना तो मेरा नाम भी जीनी नहीं। फिर आओ तो उनके जाने का कोई इरादा नहीं है। चलो ना यार कुछ खेलते हैं। हाँ ताकि रोहान बेईमानी करके जीतता रहे। अब तो मैं करूँगा बेईमानिया क्योंकि मेरे पास पावर। मेरे पास पावर थे। जैसा गला बहुत ठंडा पानी था। और कोई खिदमत? नहीं बस प्यास लगी थी इसलिए आपके घर की बेल बजा दी। कोई बात नहीं। बात सुने,
आपके पास 100 का नोट होगा यार। अगर 100 का नोट चाहिए था तो पहले बोलते ना, पानी का बहाना क्यों किया? भाई मैं वापस कर दूंगा, आप दिखाएं तो सही 100 का नोट। अरे ये तो 5,000 का नोट है। अरे लेकिन मैंने तो 100 का नोट दिया था। हाँ लेकिन मिले तो 5,000 ना। अरे आपने हमें पानी पिलाया, कुछ ना कुछ इनाम तो बनता था ना। अच्छा खुदा हाफिज़। अरे अरे नाम क्या है आपका? जमरूद। जमरूद? अरे कहीं आप नमरूद के भाई तो नहीं हैं? नहीं नहीं, वो तो बादशाह था, मैं जादूगर हूँ, लेकिन असली जादूगर। अरे तो जादूगर साहब आप गली में क्या कर रहे हैं? अरे धूप में रंग काला हो जाएगा, आप मेरे साथ अंदर चले ना। अरे हम जादूगरों की बड़ी इज्जत करते, लेकिन तो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे, आइए ना। अच्छा चले चले, आइए ना, आइए आइए बैठे। अरे बैठे ना सभा, इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हमारे घर आए हैं। सलमान जादूगर मतलब मैजिशियन, वो जो करतब दिखाते हैं। बीबी मैं असली जादूगर हूँ, अगर आप कहें तो आपकी जवानी को बुढ़ापे में तब्दील कर दूं। अरे ये तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरे जादू को। नहीं नहीं सभा का बुढ़ापा। मेरी बात सुने, अगर आप जादूगर हैं तो कोई ऐसा ढंग का काम करके दिखाएं जिससे हमें भी कोई फायदा हो। अच्छा ये आपके हाथ में अंगूठी चांदी की? अब जी जी एक मिनट दिखाएं मुझे। ये लें। मैं कोई बाबा तलाश करता हूँ। क्यों दुआ करवानी अपने लिए? अरे बाबा मतलब आमिर बाबा, वो भी कोई जादूगर। तुम्हें क्या काम है उससे? मैं उसके जरिए अपनी बहन को पकड़वाऊंगा। जीनी ना जालिम जीने, देखो। अच्छा वो मेरी पावर ले रही, ये जुल्म नहीं है। कोई बहुत ताकतवर बाबा ढूंढूंगा जो मेरी बाजी को पकड़ के बोतल में बंद कर दे। ये लीजिए 200 रुपए वाली अंगूठी, पूरे 20,000 रुपए की हो गई, प्योर गोल्ड। सलमान ये तो वाकई जादूगर है। अरे बता रहा हूँ ना, मेरे 100 के नोट 5,000 रुपए वाले नोट में तब्दील कर लिया था। अब हम क्या करें? अरे घर के सारे नोट 5,000 नोट में तब्दील करवा लेते हैं। हाँ सलमान मैं भी काम करती हूँ, अपनी सारी चांदी की ज्वेलरी गोल्ड में कन्वर्ट करा लेती हूँ। तो भाई सोच क्या रहे, जाइए लेके आइए। भाभी आप अपनी चांदी की सारी ज्वेलरी लाए, मैं उसे गोल्ड में तब्दील कर दूंगा। हाँ ये सही है। अरे सही है तो यहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी सारी ज्वेलरी लेकर आओ ना। और तुम्हें नोट चेंज ही कराने सलमान? अरे मैं तो भूल ही गया। मेरे पास पावर्स है, क्यों ना मैं किसी बोतल में तुम्हें बंद कर दूं? नहीं नहीं रोहान बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं अब मजा आएगा, ये मेरू बाजी को बोतल में बंद करने की बात करते ना, अब मैं उसको बोतल में बंद करूंगा। बोतल का है ये बोतल। भाग गया भाग गया भाग गया। वैसे रोहान बहुत बुरी बात है ये। कोई नहीं फ्रेंड है, अपने इतना मजाक चलता है ना। आप कौन? मैं जमरूद जादूगर। आपको काफ से है? नहीं मैं यही जमीन का जादूगर हूँ। आपको जिन काबू करना आता है? जिन? हाँ एक जिन है, उसे काबू करना है, बोतल में बंद करना है। बेटा लगता है तुम फिल्में बहुत देखते हो। मेरी कसम से जिन छोटी से छोटी जगह पर समा सकते हैं। बेटा ये सब किससे कहानियां है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे नहीं लगता फिर आप जादूगर है। अच्छा कुछ नोट तो होंगे तुम्हारे पास? हाँ हाँ ये रे ये लीजिए। अबे नहीं यार। और कुछ? 1,000 का नोट समझ में नहीं आया तो 5,000 का कर दूं? नहीं काफी है। वैसे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो तो नोट और जेवरात लेने गए। जेवर क्यों? ताकि मैं छोटे नोट को बड़े नोट में और चांदी की ज्वेलरी को गोल्ड की ज्वेलरी में तब्दील कर दूं। अरे आप तो जबरदस्त जादूगर है, मैं भी रोहान और गीति को बता के आता हूँ। रोहान और गीति? अरे भाई वो मेरे बहन भाई है ना। आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे ये तुमने अच्छा नहीं किया है। यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गए। हाँ चीनी रोहान तो तुम्हारे दोस्त है, वो तुम्हें बोतल में क्यों बंद करेगा? मैं डर के नहीं भागा था। डर के नहीं बहादुरी के साथ भागे थे ना। नहीं नहीं तुम बहादुर हो, पाँव के नीचे सांप टहल रहा है फिर भी कितने सुकून से बैठे वो। चीनी अब तो तुम्हें पक्का मैं बोतल में बंद करूंगा। रोहान बोतल में मुझे नहीं, उसे बंद करो जो बाहर बैठा हुआ है। बाहर कौन बैठा हुआ है? जादूगर। वो जादूगर जो मेरू बाजी को बोतल में बंद करेगा? यार बड़े फास्ट हो तुम, बड़ी जल्दी ले उसको। मैं इसे लेके नहीं आया हूँ। तो फिर कौन लेकर आया? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मा पापा नोट और जेवर सारे उसे दे रहे। उन लोगों का दिमाग खराब नहीं है जो अपनी ज्वेलरी और पैसे सारे जादूगर को दे देंगे? चीनी अब तुम्हारी कच्ची होगी यार। कसम से मैं सही बोल रहा हूँ, वो ये बोल रहा है कि वो 100 के नोट को 1,000 के नोट में तब्दील कर देगा और चांदी की ज्वेलरी को गोल्ड में तब्दील कर देगा। लपेटो भाई लपेटो, ओए कंट्री लपेट लपेट, इसकी तो पावर खत्म हो गई है। कितनी कसम से मैं सच बोल रहा हूँ यार। छोड़ो ना यार, ये बता मम्मी के हाथ के आलू वाले पराठे खाने हैं? अरे हाँ यार ये ले आलू आलू। अरे जमरूद साहब, जमरूद साहब सबसे पहले तो 1,000 के नोट 10,000 के नोट में बदल दे। अरे नहीं भाई ये 100 के नोट है 1,000 के नोट में बदलना है। हाँ वही कह रहा हूँ यार। और जमरूद साहब मेरी चांदी की ज्वेलरी है, प्लीज इसे गोल्ड में चेंज कर दे। पहले हम नोट को चेंज करेंगे। हाँ ठीक है लाइए। ये ले।
अरे ये बदमाशी मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सलमान बदमाशी नहीं एहसान। नहीं मैं किसी एहसान से मिला नहीं चाहता। भाभी आप रहने दे, मैं समझ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज मेरी ज्वेलरी को भी जरा जल्दी से गोल्ड में चेंज कर देना। अबे यार वो जादूगर को तो मैं भूल ही गया। और पराठे खाने साथ साथ बता दो, ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो? अरे रूहान पहले सुन तो लो कि वो किस जादूगर की बात कर रहा है। उसका नाम जमरूद है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अच्छा ये बताओ पराठे के साथ टमाटर वाली चटनी खानी है या फिर ऑमलेट? दोनों। ये बहुत पुराने स्टाइल की नहीं होगी? सारी सी बात है, ये ज्वेलरी सबा को शादी के वक्त मिले थे। तो हमारी शादी कौन से जमाने गुजर गए हैं सलमान? सबा हमारे बच्चे जवान हो गए। कौन से बच्चे जवान हो गए हैं? भाई एक बच्चा तो मुझसे आके मिला था, लेकिन वो तो बहुत छोटा लग रहा था, कद भी छोटा था। वो बच्चा हमारा नहीं, हमारे बेटे का दोस्त है। ओ, बेटे का दोस्त बच्चा, लेकिन बेटा तो जवान है ना। आप इस बात को छोड़े, मैं आपकी इस चांदी की ज्वेलरी को गोल्ड में तब्दील कर देता हूँ। गोल्ड की ज्वेलरी? बिल्कुल सही है। तो ठीक है फिर आंखें बंद करें। जीनी तो फिर भूल गए हो जादूगर को? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, वो जादूगर बाहर बैठा हुआ है और फ्रॉड ही है। तुम्हें कैसे पता कि वो फ्रॉड है? हाँ ये देखो, उसने मेरे 100 के नोट को 1000 के नोट कर दिया और ये नोट जाली है। इसमें फ्रॉड वाली कौन सी बात है? वो तो तुम भी करते, मेरा मतलब जब तुम्हारे पास पावर थी वो तो तुम भी करते थे और अब मैं भी कर सकता हूँ, ये देखो। बेटा मेहरू बाजी ने तुम्हारे को छोटी छोटी सी पावर दी है, ये नोट तुमसे चेंज नहीं होगा। ये लीजिए आपकी चांदी की ज्वेलरी, गोल्ड में चेंज होगा। अरे तो ये बताओ कि वो जादूगर फ्रॉड कैसे है? क्योंकि ये 1000 का नोट जाली है। क्या मतलब? मामा और पापा अपनी असली नोटों और ज्वेलरी की जगह नकली नोट और ज्वेलरी लेने लगे हैं। यही बात तो मैं तुम लोगों को इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम इतनी देर से पराठे खाने में लगे हो, बताया नहीं ले? अरे जल्दी करो कि वो जादूगर फ्रॉडिया अपना हाथ दिखा के ना चला जाए। उसके हाथ में ऐसा क्या है वो जो हमें अपना हाथ दिखाएगा? गीती ने मुहावरा बोला, अब तुम ये ना पूछना कि मुहावरा क्या होता है। पता है मुझे। काश मैं जबरूद को अपने साथ बैंक ले जा सकता, बैंक में रखे हुए जितने भी छोटे नोट है ना बड़े नोटों में तब्दील कर लेता। सलमान मैं तो ये सोचू काश मेरे पास बहुत सारी चांदी की ज्वेलरी होती ना, सारी मैं सोने में तब्दील करवा लेती। सभा इतना लालच अच्छा नहीं है। और तुम जो कह रहे हो वो क्या है सलमान? मैं अपने नोटों के साथ खेल रहा हूँ और मैं अपनी ज्वेलरी के साथ। अरे गीती रोहन मुबारक हो, तुम लोग गरीब हो गए। सलमान गरीब नहीं, अमीर हो गए हम। अरे ये देखो ना, हम लोग सोना और नोटों से खेल रहे हैं। पापा ये नोट जाली है और मामा ये ज्वेलरी भी यकीनन नकली गोल्ड की है। तुम लोगों को कैसे पता है सब बातें? उस जमरूद जादूगर ने ना जीनी के 100 रुपए को ना 1000 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, और वो नकली पैसे थे, और जो आपको पैसे दिए वो भी नकली है। पापा आप तो बैंकर भी रह चुके हैं, आपको तो पहचान होनी चाहिए ना कि असली नोट क्या है और नकली। क्यों नहीं पहचान, अभी चेक कर लेता हूँ, ये देखो। सलमान क्या हुआ? सलमान साहब के होश उड़ गए हैं, आप अपने भी होश उड़वा लीजिए, ज्वेलरी तो चेक करें आप। सलमान ये ठीक कह रहे हैं, इसमें तो पानी चढ़ा हुआ है सोने का। और तेरे 50,000 रुपए भी ले गए वो। लेकिन वो गया कहाँ? जहाँ पे भी गया हमसे तो दूर चला गया। मेरे पास अगर पावर होती ना मैं उसे दोबारा यहाँ लेके आता। कैसी पावर? जासूसी वाली, जासूसी वाली। वो वापस आ गया। वो वापस क्यों आएगा सलमान? हमें मजीद लूटने के लिए। हमारे पास क्या बच्चे हैं? मैं जाकर देखता हूँ। ये इंसान बन के रहना भी कितना मुश्किल है, कब से बेल बजाई अभी तक मैं बाहर खड़ी हूँ। अरे मेरे वो लूट गए, बर्बाद हो गया यार। क्या हुआ, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं तो सही। अरे जादूगर हमें लूट कर चला गया। जादूगर? कौन जादूगर? अरे जादूगर नमरूद। अरे इस नाम का कोई जादूगर कोई काफ में नहीं रहता। अरे कोई काफ में क्यों रहेगा, इस दुनिया में रहता और हमें लूट कर चला गया। सलमान मेरे होते हुए आपको कोई नहीं लूट सकता। क्यों भाई, पुलिस में हो क्या? पुलिस वाले चने बेचते हैं मेरे सामने। अरे इस वक्त मैं तुम्हारे सामने चने बेचने के पोजीशन पर आ गया हूँ। आप अंदर चले और इत्मीनान से मुझे पूरी कहानी सुनाए। एक तो जीनी को खाने का बहुत शौक है, पराठे खाने में मगन है, बता ही नहीं रहा कि बाहर जादूगर बैठा हुआ है। ओफो उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, तुम मेरी सुन कब रहे थे? हाँ रूहान चीनी ने तो बताने की कोशिश की थी लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे। खुदा गंजे को नाखून ना दे। तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि जीनी ने मुहावरा मुझ पे मारा इसलिए। लेकिन तुम गंजे तो नहीं हो? मैरू आओ आओ सबा, सबा बताओ मैरू को कि वो जादूगर जमरूद हमें कैसे लूट कर चला गया। हाँ सबा बताओ आखिर हुआ क्या? जीनी की कोताही का नतीजा ये सारा। मैंने कौन सी कोताही कर दी? तुम्हारे होते हुए कोई सलमान और सबा को कैसे लूट कर चला गया? रोहान और आपकी वजह से। क्या मतलब? मेरे पास से पावर छीन ली थी और रोहान को दे दी थी, अब इससे पूछे ना कि पावर क्यों नहीं इस्तेमाल की। ये कौन सी पावर की बात हो रही है? ये बच्चों के पास कौन सी ताकत आ गई है भाई? जिम्मेदारी की ताकत। गीती बिल्कुल ठीक कह रही है, जब तुम दोनों को पता था कि वो जादूगर जाली है तो पहले क्यों नहीं बताया? रोहान
तुम्हें जबरूत जादूगर के बारे में पता था? पापा मुझे जीनी ने बताया था। अभी तो कोई कह रहा था कि आपके बच्चों ने भी 100 के नोटों को 1000 के नोटों में तब्दील कराया है। ओह यस, निकालो 1000 रुपए। वैसे भी बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए। ये ले, वैसे भी ये मेरे लिए बेकार है। सलमान, ये सब नोट नकली है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? असली हो या नकली, नोट नोट है। तुम बहुत एंजॉय कर रही हो सलमान की अहमकाना बातों को। मुझे सलमान की यही बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगती हैं। बाजी आप लड़ाई मत करें, मामा और बाप मेरा मतलब है आंटी और अंकल का नुकसान हुआ है वो पूरा करवाएं। हाँ हाँ मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या कर लोगी, तुम कोई पुलिस इंस्पेक्टर लगी हुई हो? अरे सभा मेरू के अंकल पुलिस में आईजी लगे हुए हैं। तुम्हें कैसे मालूम है सब कुछ सलमान? अरे आईजी साहब ने खुद कॉल करके मुझे बताया। पापा ये कुछ ज्यादा हो गया। बाजी सभा सलमान आप लोग जरा बाहर जाएं, मैं इस मामले को हैंडल करती हूँ। ठीक है सभा चलो। ओहो सलमान ये क्या हो गया, मेरी सारी ज्वेलरी चली गई। मेरे सारे नोट भी चले गए। शुक्र करो कि वो घर के खर्चे के थे, बाकी सारे पैसे तो बैंक में है ना। हाँ मेरे सारे बाकी के पैसे बैंक में रखे हुए थे, शुक्र है। तो और कहाँ रखोगे सलमान, 1.5 करोड़ रुपए हैं। अरे सोचो जरा सब, उसमें से भी 50,000 चले गए। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं सोची, मैं सिर्फ अपनी ज्वेलरी के बारे में सोच रही हूँ। मैं तो तुमसे पहले कहता था कि ज्वेलरी बेच के बैंक में पैसे रख दो, प्रॉफिट आता रहेगा। अच्छा मैं अपनी शादी की ज्वेलरी क्यों बेच दूँ? 1000 बेचो, चोरी हो गए 1000 बराबर। बाजी उस जादूगर को पकड़ के लाए ना। हाँ लेकिन पहले तो मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाओ। अपनी आंखें बंद करें। मिल गया तो फिर लेके आओ उसे। हाँ मैं अभी ले आती हूँ। ये मैं कहाँ आ गया? वही आ गया जहाँ से फ्रॉड करके भागे थे। तुम जो माल भी तुमने इस घर से चुराया ना फौरन निकालो। मैंने कुछ नहीं चुराया कसम से। मेहरू बाजी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मैंने तुम्हें पावर किस दिन के लिए दी थी? तो क्या हम इसे मार सकते हैं? जितना दिल चाहे मारो। तुम इसे इंसानों की तरह मारोगे। अरे क्या हो रहा है ये? आपका चोर पकड़ा गया। अरे ये तो जबरू जादूगर है। जादूगर नहीं है ये, हाथ की सफाई दिखाता है। फौरन सभा की ज्वेलरी और पैसे वापस करो। निकालो निकालो सारी चीजें निकालो। ये ले ये 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 भी रखे। थैंक यू मेरे, तुमने मेरे पैसे निकलवा दिए और मेरी ज्वेलरी भी। थैंक यू सो मच। बाजी अब इसका क्या करें? अब करना क्या है, सब मिलकर इसको मारो। ये है इसकी जादूगरियां, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां। ये है इसकी जादूगरियां।